हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड और कोऑर्डिनेशन। पहले ही देख चुके होंगे थंबनेल में, यानी जितना भी प्रोसेस हम जो डाइजेशन किए हैं, रिस्पायरेशन किए हैं, इस्क्रीशन किए हैं, किसी ना किसी के थ्रू वो हो रहा था, उसे कंट्रोल करने के लिए किसी ना किसी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम इसमें पढ़ेंगे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। अब देखिए, जितने भी यानी चाहे यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उस सबको क्या होता है, एक कंट्रोल मैनर होना ज़रूरी है। ठीक, जैसे प्लांट को होता है, प्लांट यदि देखेंगे क्या, तो स्टिमुलेट यानी लाइट जिधर से आती है उधर ग्रो करता है, और रूट हो गया वो हमेशा कितना नीचे की तरफ ग्रो करता है। ठीक, ना कहीं उसके पास वो कंट्रोल करने की कोई व्यवस्था है जो उसे कंट्रोल करती है कि यानी स्टेम जो होता है लाइट की तरफ मूव करता है, और हमारी इतनी बड़ी बॉडी है, यानी कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करेगा। तब हम यहाँ से देखिए करें, यहाँ से यहाँ ये चलने की प्रक्रिया कोई ना कोई पर्सन कंट्रोल कर रहा होगा, तभी हम क्या कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं और लेटे हुए हैं, खाना पीना खाना, चलना फिरना दौड़ना, ये सब कोई ना कोई सिस्टम जो होगा ये कंट्रोल करेगा। ठीक, अब कंट्रोल क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक, इसे नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। अब इसमें चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सबको कंट्रोल करने के लिए किसी न किसी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये कंट्रोल किसे कहते हैं, देखिए कोई भी जैसे इमोशन को देखो, कर इमोशन को कंट्रोल कर देना, यानी कहीं पर दौड़ते जाना और यदि कोई चीज़ देखना तुरंत भाग जाना, स्टिमुलेट करना, उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल करते हैं। कोऑर्डिनेशन एक सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए, जैसे सिस्टमैटिक मैनर में ना हो, जैसे ये हाथ है, ये हाथ हाथ की उंगली जो देखो करिए, ये बराबर है, ये कौन कर ले, ये कंट्रोल करने का काम कोई ना कोई यानी कर रहा है, जो किसी लेवल पर नर्वस लेवल पर या हार्मोनल लेवल पर, उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। अब ये हो गया, अब यहाँ टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने तरह के होता है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन दो तरह का होता है। ठीक, ये टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कितने तरह का होता है, एक होता है हमारा नर्वस। अब बताइए, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम पे होता है, और एक होता है हमारा बाबू हार्मोनल लेवल पे। ठीक, हार्मोनल लेवल पे हो गया। अब ये देखिए करिए, नर्वस सिस्टम ये किस में पाया जाता है, ये प्लांट में नहीं पाया जाता। ठीक, ये प्लांट में नहीं पाया जाता, ये केवल एनिमल में पाया जाता है। ठीक, अब एनिमल में प्लांट में क्यों नहीं पाया जाता, ये केवल एनिमल में पाया जाता है। नर्वस सिस्टम कोई कंट्रोल के, जैसे ये कोई प्लांट है, उसका एक दो स्टेम क्या छोटा बड़ा हो जाएगा तो चलेगा, मगर एनिमल में क्या होगा, यदि छोटा बड़ा हो जाए, जैसे हाथ है देखिए करिए, यहाँ से हाथ बताओ क्या होता है, ये दोनों बराबर है ना, तो यानी कोई ना कोई सिस्टम होगा जो इसे कंट्रोल करता होगा कि हाथ कहीं बताए, कहीं इतना बड़ा हाथ हो जाए, इसका छोटा इतना रहे, सर इतना बड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जिस सिस्टम का यानी जो सिस्टम का प्रयोग किया, यानी जो होता है सिस्टम जो होता है, उसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब ये देखो, ये नर्वस सिस्टम केवल एनिमल में पाया जाता, ना कि प्लांट में पाया जाता, और ये जो सिस्टम होता है प्लांट एज वेल एज प्लांट और एनिमल में दोनों में पाया जाता। क्यों, अब देखिए, अब यह एनिमल हो गया, प्लांट में देखो क्या दिया, जैसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं, फल का पकाना, पत्ती को गिराना, यानी ग्रोथ हार्मोन, ये सब सारी चीज़ें जितने हार्मोन होती, फोटोसिंथेटिक हार्मोन सब चीज़ होती हैं, वो भी प्लांट में हार्मोनल लेवल पे। हार्मोनल लेवल क्या होता है, ये ब्लड में सीधे मिलता है और कहीं ना कहीं जाके वहाँ पर प्रोड्यूस करता है, उसके बाद काम हो जाता है। अब एनिमल में भी पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है, हार्मोनल लेवल पे और नर्वस सिस्टम प्लांट में, प्लांट में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता। अब ये जो हमारे अंदर जितना भी मैसेज एक जगह से दूसरे, सपोज यहां से आपको यहां पर कोई मार दिया, यहां पर यदि मारा है कोई पर्सन, तो यहां से जो मैसेज यहां से गया है, तो उसे यानी चाहे हार्मोनल लेवल पे होगा, चाहे यानी हार्मोनल लेवल पे, चाहे नर्वस लेवल पे, यदि हार्मोनल लेवल पे होगा तो ये हमारा बताओ क्या होता है, यहां यदि कोई यहां पर आपको मार रहा है, यहां से मार रहा है, तो ये जो मैसेज यहां से यहां डिटेक्ट कर रहा है, उसे ले जाने के लिए नर्वस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। आप बताइए, यदि ये प्लस यानी अब ये जो होता है, ये किसके फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक फास्ट यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में होता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में होता है, और एक तरह से ये फास्ट होता है, और ये हार्मोनल लेवल पे होता है, इसीलिए क्या होता है बाबू, ये मैसेज यानी मैसेज के यानी मैसेज होता है किसके फॉर्म में देता है, ये मैसेज हमारा केमिकल के फॉर्म में देता है, किसके फॉर्म में, ये केमिकल के फॉर्म में, इसीलिए क्या होता है, ये हमारा स्लो प्रोसेस होता है, एज कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम के कंपेयर में हमारा ये स्लो होता है, और ये हमारा बहुत तेज़ी से होता है, फास्ट होता है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, तुरंत हमारा काम ये हो जाता है। ठीक, अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हम इसके दोनों कार्य के पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल के बारे में दोनों
दोनों के बारे में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, वो भी क्या होता है जो हमारे यानी फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करता है, रिस्पायरेशन करता है, ग्रोथ करता है, सारी चीज़ें कंट्रोल करने के मैनर में वो भी होता है। उसे हमें क्या होता है हमारे अंदर भी होता है, मगर हम सब लोगों के लिए वेल डेवलप होता है, उन सब लोगों में क्या सिस्टमेटिक नहीं होता। उनका एक स्टेम बढ़ जाए, पत्ती गिर जाए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सपोज हमारा ये हाथ ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, चाहे उंगली कट के गिर जाए तो हमें दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ से इस ह्यूमन, अब देखिए करिए, ये ह्यूमन हो गया, ह्यूमन नर्वस, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में यहाँ से ये पूरा यहाँ से पढ़ा जाएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक। अब ये कितने तरह का होता है, वो होता है एक हमारा होता है CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता, और एक होता हमारा पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, एक होता पेरीफेरल, ये हमारा क्या होता है नर्वस, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम होता है, और एक होता जिसे हम किसी शॉर्ट में PNS कहते हैं, ठीक। ये PNS होगा, ये हमारा क्या होता है बाबू सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो हमारे सेंट्रल को कंट्रोल करता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है वो ही बताया जाएगा, ठीक। अब देखिए करिए, ये हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने तरह का हो गया, एक हमारा CNS हो गया, एक हमारा PNS हो गया, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस शरीर में हमारे जितने भी कंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल होला किसी न किसी मैनर में, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर की बात, हमारे सेंटर में क्या ये माइंड है, और ये पीछे से जो गया है स्पाइनल कार्ड, ये हमारे इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आ जाएगा। पेरीफेरी नर्वस सिस्टम ये यानी चारों तरफ, जैसे हम यहाँ पर खड़े, जैसे बारात में यहाँ से गए, देखिए कह रहे जितने दूर आप यहाँ से नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो आपका क्या हो गया, वो पेरीफेरी सिस्टम हो जाएगा, ठीक। उसके अंतर्गत यदि कोई भी पर्सन गया तो वहाँ पर डांस खराब हो जाएगा। उसी को मैनर करने के लिए यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी मतलब हमारे शरीर के यानी ये यानी माइंड को छोड़ के, यानी माइंड और स्पाइनल कार्ड को छोड़ के जितना भी बचा हुआ भाग है वो पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आया। CNS यानी अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम यहाँ से देखेंगे, इसमें क्या बताएं बाबू, ये हमारा एक ब्रेन होता है, एक ब्रेन होता है और स्पाइनल कार्ड यहाँ से जो गई है, ऐसे क्या होगा, ये आपकी सेंटर में पीछे की ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक। रीढ़ की हड्डी में एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे स्पाइनल कार्ड कहते हैं, ये मत बोल देना ना स्पाइनल कार्ड, ठीक। अब ये जो यानी जो होता है, अब देखिए करिए, ये अपन हमारी खोपड़ी है माइंड, इस पर ऐसे यानी देखो करिए अटैच है, यहाँ से अटैच करा देते हैं, ऐसे अटैच है, ठीक। यहाँ देखो करिए, ये हमारा खोपड़ी है जिसे हम, इसमें ब्रेन है, और ये वाला जो पार्ट है ये हमारा सेंट्रल नर्वस यानी स्पाइनल कार्ड जो पीछे से ऐसे गया है, एक ब्रेन हो गया और एक हमारा बाबू क्या हो गया स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक। अब ब्रेन में बताओ कितने कितने पार्ट होते हैं, ब्रेन कहते हैं जो ब्रेन में भूसा भर गया है, हाँ गोबर भर गया है, मगर वो चीज़ नहीं होता। इसके कितने पार्ट होते हैं बाबू, इसके हमारे टोटल तीन पार्ट होते हैं, एक हमारा फोर ब्रेन होता है, एक हमारा मिड ब्रेन होता है, और एक हमारा हिंड ब्रेन होता है, ठीक। यहाँ से इतने तरह के इसके इतने ये पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन में हमारा क्या क्या आता है, पहला हमारा आता है सेरिबलम हो गया, ठीक, सेरिबलम हो गया, और हमारा ये आता है ये हाइपोथैलेमस आता है, ठीक, हाइपोथैलेमस होता है, यह हाइपोथैलेमस हो गया। इसके देखो कह रहे सेरिबेलम हो गया और ये हाइपोथैलेमस हो गया, इसके दो पार्ट होते हैं। अब सेरिबेलम का क्या काम है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट, हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यानी ये चीज होता है, यानी ब्रेन में सबसे बड़ा ये हमारा ये होता है सेरिबेलम। और हाइपोथैलेमस यानी मोशन कंट्रोल करने के लिए जितना भी हम पजल वगैरह काम करते हैं सेरिबेलम उसमें काम करता है। जैसे हम फिजिक्स लगाते हैं, मैथ लगाते हैं, उसमें जितना भी हार्ड वर्किंग होता है जो जिसमें बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता है वो हमारा सेरिबरम कंट्रोल करता है, ठीक। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हमारे मोशन को कंट्रोल करना, दौड़ना, यहाँ से भागना, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और ये मिड ब्रेन जो होता है इसके पास कोई यानी स्पेशल ऑर्गन नहीं है, ये केवल क्या करता है, ये हमारे देखने सुनने ये सब देखने और सुनने का काम करता है, ठीक। देखने एज वेल एज सुनने के काम करता है, ठीक, सुनने में काम करता है। और ये जो यानी हिंड वाला पार्ट होता है इसके भी कितने पार्ट होते हैं, इसके तीन पार्ट होते हैं। ये पोन्स होता है, यानी पोन्स होता है सेरिबरम मेडुला हो गया, ठीक। यहाँ से देखिए करें, ये पोन्स वाला पार्ट हो गया, पोन्स हो गया, ये पोन्स हो गया, और हमारा यहाँ से सेरिबेलम होता है, और हमारा ये सेरिबरम होता है, ये सेरिबरम है, ठीक, ये सेरिबरम है। और यहाँ पर जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेरिबेलम बोलते हैं,
ठीक। और यहाँ पर हमारा मेडुला ओब्लॉन्गाटा हो गया, मेडुला ओब्लॉन्गाटा। अब पोन्स की बात क्या है, पोन्स हमारा क्या करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारा रिस्पायरेशन के लिए, हम जो सांस लेते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक, रिस्पॉन्सिबल होता है। यदि सांस लेना भूल जाए तो आदमी मर हो जाएगा। यानी सेरिबलम क्या होता है, यह सेरिबलम चलने में, ये भी क्या होता है, ये चलने में यानी वॉकिंग करने के काम आता है, ठीक, और रनिंग में काम आता है, ठीक है। ये रनिंग में क्या होता है, अब यानी हमारा मेडुला ओब्लॉन्गाटा जो होता है, ये मेडुला ओब्लॉन्गाटा जो होता है, ये यानी मेन फंक्शन, खाना पीना रहना सब चीज़ दौड़ना, ये सब क्या करता है, ये कंट्रोल हमारा करता है मेडुला, यानी इसके मोर नंबर ऑफ द फंक्शन है, ये बहुत सारे कम इसके यानी मोर फंक्शन है, ठीक। यानी जितना भी छोड़ के, यानी देखो क्या दिया, हाइपोथैलेमस, यानी देखो हाइपोथैलेमस हमारा क्या कर रहा था, हाइपोथैलेमस मोशन को कंट्रोल कर रहा था, और ये जो सेरिबरम वाला पार्ट है, यानी सेरिबरम, देखो कहते हैं सेरिबरम वाला जितना भी पार्ट है, या मैंने जो जितना भी हार्ड वर्किंग होता है, जैसे हम जहाँ पर माइंड बहुत ज़्यादा काम करता है वहाँ पर ये काम करता है, और हाइपोथैलेमस हो गया, यानी मिड ब्रेन क्या होता है, इसके पास कोई स्पेशल ऐसे ऑर्गेन नहीं होता, ये देखने और सुनने में काम करता है, और ये हिंड ब्रेन क्या, देखो पोन्स हो गया, सेरिबरम हो गया, और मिडुला ओब्लॉन्गाटा हो गया। पोन्स हमारा क्या करता है, रिस्पायरेशन का काम करता है, सेरिबरम वॉकिंग रनिंग ये सब सारी चीज़ों को देखने का काम करता है, ठीक। और ये मिडुला ओब्लॉन्गाटा क्या करता है, मोस यानी मोर फंक्शन, इसके यानी जितना खाना पीना दौड़ना मारना सब चीज क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और स्पाइनल कार्ड हो गया, ठीक, स्पाइनल कार्ड इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा अच्छे से। अब देखिए पेरिफेरी नर्वस सिस्टम को कितने में अगेन डिवाइड कर दिया गया, अगेन इसको हम एक होता है हमारा इसे, ये हमारा ऑटो, यानी क्या होता है, ऑटोनॉमिक हो गया, यानी ऑटोमेटिक, जो अपना काम स्वयं से कर लेता है, ठीक, अपना यानी अपना काम चलाता रहता है, उसे हम ऑटोनॉमिक। और ये हमारा होता है एक वॉलंटरी होता है, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये वॉलंटरी होता है। यानी पीएनएस को कितने में डिवाइड कर गया था, ये हम दो में डिवाइड कर दिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऐसा नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक हो, जैसे आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो ये सोचेंगे क्या, ये अच्छा आ रहा है काटेगा तब भागेंगे, जो देखेंगे तुरंत भन से भाग जाते हैं, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक। और ये यानी वॉलेंट्री होता है, जैसे हमारा ये यदि महसूस करेंगे तो, जैसे इसे उठाना है, यहाँ से इंक है तो इंक कैसे उठाना, तो हमारे इच्छा के अनुसार ही होगा, तो उसे हम वॉलेंट्री बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, जैसे हम खाना खा लें और कह दें भूल जाए कि तुम बहुत पेट डाइजेशन करो, तो बताओ क्यों, डाइजेशन ही नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो गया, ऑटो नर्वस सिस्टम बना दिया गया, ऑटोमेटिक ये काम करता है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें इसके भी कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है सिंपैथिक हो गया, एक हमारा यहाँ से पैरासिंपैथिक हो गया। अब पैरासिंपैथिक के अंदर क्या, जो हार्ट बीट, आँख बड़ी हो जाना, देखो क्या, जब हम कोई चीज़ अचानक देखते हैं, सांप वगैरह, तो क्या करते हैं, भूत वो सांप है, तो हम तो क्या करते हैं, सांप देखते हैं, तो हमारा ये पैरा यानी सिंपैथिक, यानी क्या होता है, ऑटो नर्वस सिस्टम में सिंपैथिक वाला पोर्शन क्या होता है, यानी पूरा एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कहीं मार हो रही है, ठीक, मार हो रही है तो क्या करो, जैसे आपको कोई दोस्त आपका पीट दिया, कोई यहाँ से आया, हम स्कूल में गए तो उसे कोई आपको पीट दिया, तो बताइए क्या करेंगे, हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, जाएंगे दोस्तों को बताएंगे, दोस्त ये नहीं सोचेगा किसकी गलती है, पहले जाके बल भर उसे पीटने का काम करेगा, फिर बाद में देखा जाएगा कि किसकी गलती है, ठीक। मगर यदि आप पेरेंट के पास जाएंगे तो आपके पेरेंट पहले सोचेंगे क्या हुआ था बाबू, अच्छा ये पीट दिए हैं, अच्छा क्या गलती थी तुम्हारी, तब तक वो जो मारा था वो भाग गया, उसका कोई नहीं, मगर दोस्त को बताएं कौन मारा बाबू, कौन मारा भाई, उसके बाद तुरंत जाएंगे हम क्या करेंगे, उसे पीटने कूटने का काम तुरंत कर देंगे, यानी भागने का उसे फुर्सत नहीं देंगे। उसी तरह से हमारा सिंपैथिक यानी एक्साइटेड हो रहे, जैसे डर जाना, देखो कह दिया, यह हार्ट बीट क्या करता, इसमें यदि पैरासिंपैथिक यदि एक्टिव हो गया तो हमारा हार्ट बीट तुरंत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हार्ट बीट हमारा तुरंत इंक्रीज कर जाता है, और क्या होता है, एक्साइटेड हम हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं इसके अंतर्गत, ठीक, एक्साइटेड हो जाते हैं, डरना। अब देखो क्या दिया, यदि कहीं मार बहुत भयानक हो गई है, ठीक, तो हमारा क्या होता है, यहाँ से बहुत नंबर, जैसे हम कोई जलेबी वगैरह देखते हैं तब क्या होता है, मुंह में लार आ जाता है, तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड क्या तुरंत एक्टिव हो जाती है, ये किसके कारण से, यानी सिंपैथी के कारण से, यानी सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के कारण से, ठीक है, हमारी ये सलाइवरी ग्लैंड जो है इसमें हमारी एक्टिव हो जाती है, सलाइवरी ग्लैंड इसमें एक्टिव हो जाती है, ठीक, और एक्साइटेशन का काम करता है, और यहाँ से डरना, ठीक है, ये सब काम इसमें, ये सब चीज़ होता है, ठीक। अब यहाँ से पैरासिंपैथिक का काम कितना, जितना यानी नॉर्मल, जैसे मार और हो गया, आराम से बैठे हैं,
आराम से ऐसे बैठे हैं तो हमारा ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम करेगा कि भाई रिलैक्स हो जाओ, ठीक, इसमें नॉर्मल हो जाना, ठीक, यहाँ से हो गया, यहाँ पर हम क्या हो जाते बाबू, नॉर्मल हो जाते हैं। कहीं मारपीट हो जाएगा तो यहाँ पर, जब मारपीट हो जाएगा तुरंत हमारा पैरा यानी सिंपैथिक सिस्टम क्या हो जाएगा, तुरंत एग्रेसिव हो जाएगा, पीटो बल भर, उसके बाद काम बाद में देखा जाएगा क्या होगा। और यानी पैरा सिंपैथिक में क्या हो जाता है, यदि मार और हो जाए तो आराम से बैठे हुए हैं, ठीक, अब जैसे चार चाउमीन बन रहा है तब ऐसे यदि प्लेट लिए रहते हैं तो हमारी क्या हो जाती है, यानी सलाइवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती है, अब मिले खा लें, अब वो यदि खा लिए बहुत सारा खा लिए तो हमें खाने की इच्छा नहीं है तो आराम से बैठे रहेंगे, तो पैरासिम्पैथिक कहेगा अच्छा कोई सिस्टम नहीं काम कर, यानी हमारा ये पैरासिम्पैथिक काम करेगा, चलो अच्छा नॉर्मल रिलैक्स हो जाओ। तो ये सब चीज़ काम यहाँ से होता है। अब वॉलंटरी में हमारा क्या चीज़ होता है, जो काम हमारे इच्छा के अनुसार हो, सिंपल से समझिए, जो काम हमारे इच्छा के अनुसार हो वो हमारा वॉलंटरी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब कितने बता दिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कहेंगे सीएनएस, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, एक हमारा पेरीफेरी नर्वस सिस्टम हो गया, पेरीफेरी नर्वस सिंपल सा देखिए एक एग्जांपल हमको बता रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सपोज आप गांव में रहते हैं तो ये आपका एक खूंटा है, इससे क्या हो गया, एक बहुत बड़ा मरकाहा बल रखा गया है यानी बांधा गया है, ठीक। अब ये से देखो क्या दिया, यहाँ से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सपोज ये माइंड है, वो खूंटा हम क्या मान लेते हैं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब इसके इर्द गिर्द इतने पर जितने भी एरिया आएगा वो हमारा यानी क्या होता है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। जैसे यहाँ पर बहुत बड़ा बैल रख दिए हैं यानी मरकाहा बैल रख दिए हैं, अब ये यहाँ पर बधा हुआ तो ये कितने में चक्का लगा सकता बाबू, इतने में चक्का लगा सकता, इसके अंतर्गत कोई आएगा तो समझ लो उसकी खैर नहीं है, ठीक। अब यहाँ से कोई आएगा तो क्या करेगा, तुरंत मार देगा, उठाक पटक उठक देगा, मर जाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा जो बीच वाला भाग, ये हमारा सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करता है, ठीक। और ये पेरीफेरी नहीं यानी इसके इर्द गिर्द कितना भी आदमी कोई आएंगे, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं तो हम कहेंगे हमारे अंतर्गत यानी कोई भी आएगा तो दो चाटा पीट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ पर हम खड़े हैं वो तो हमारा यानी सेंट्रल वाला पोर्शन है, अब इसके इर्द गिर्द कोई भी आएगा तो यानी पिटाने का काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। वो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा पेरीफेरी सिस्टम हो जाएगा। यहाँ यदि बैल बांधा हुआ है इसके अंतर्गत यानी कोई सपोज गया तो सटला था गैला बेटा, ये काम हो जाएगा, यहाँ तुरंत उठा पटक देगा, ये हमारा पेरीफेरी सिस्टम यानी एक देखो कर दिया, ये इसके अंतर्गत इसके कोई भी आएगा उसे पटकने का काम करेगा। तो खूंटा हमारा क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा ब्रेन है, यहाँ जो ब्रेन है क्या करता है, कितने लोग करने यानी ब्रेन में क्या हो गया, दिमाग में भूसा भर गया है, तो भूसा नहीं भरा होता बाबू देखिए क्या होता, यानी फोर ब्रेन होता, मिड ब्रेन होता, हिंड ब्रेन होता, इतनी चीज़ें यहाँ से बता दिए। और स्पाइनल कार्ड जो पीछे का काम करता है, जैसे सेकेंड ब्रेन आप हमें यानी बॉडी का सेकेंड ब्रेन या स्पाइनल कार्ड होता है, जैसे आप यहाँ पर ऐसे चुपचाप ऐसे बैठे हैं, आपका दोस्त आया तो क्या हु जब बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा ये माइंड क्या किस में था बाबू, यानी आराम से बैठा हुआ था, रिलैक्स कर रहा था, हमारे स्पाइनल का तुरंत एक्टिव हो जाएगा, कौन था, यदि घूमेंगे देखेंगे नहीं तो मारेंगे भड़ाक से, लो भाई खत्म, तुरंत कहेंगे ओके, बाद में देखें अच्छा भाई तुम थे, गलती हो गई भाई, पीठ पार दिए तो गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन का काम करता है, ठीक। अब ये स्पाइनल कार्ड हो गया, स्पाइनल का सेकंड ब्रेन आप द ह्यूमन बॉडी में बोलते हैं। अब एक इसमें कितना नर्वस यानी पेरीफेरी नर्वस सिस्टम हो गया, इसमें हम हो गए ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक जो ऑटोमेटिक काम करे, कोई काम नहीं, जैसे हम हर्ट बीट हो गया, हमारा हर्ट काम जितना भी यहाँ पर हर्ट हो तो ऑटोमेटिक है, ठीक, ऑटोमेटिक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हम रोल दे बस चलो आज छुट्टी है संडे है मार देते हैं, ये हार्ट बीट, हार्ट क्या करते हैं, जैसे खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा एक दिन, यदि कहीं बोल देंगे दो मिनट बाद तुम हार्ट बीट छोड़ रोक दो खत्म, तो आदमी क्या करेगा, तो उसके बाद बयान भर वहाँ पर लेके जाएंगे, लाद फान के खत्म हो जाएंगे, ठीक, उसके बाद पूरी का व्यवस्था हो जाएगा, ये ऑटोनोमिक सिस्टम है, ठीक, ये अब ऑटोमेटिक काम करता है। और वॉलंटरी हमारा ये हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे हम यहाँ से यदि हमारी इच्छा होगी तभी हम लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखने वाले हैं, ठीक। यहाँ से इतना तरक आप कहोगे, अब इसमें हमें पढ़ना पूरा काम क्या होता है, देखिए अब हम यहाँ से बता दिए यानी नर्वस सिस्टम कितने तरह के होते हैं बाबू, एक होता हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमको ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ दिए, स्पाइनल कार्ड में कितने क्या कर दिए, सेरिब्रम पढ़ दिए, हाइपोथैलेमस पढ़ दिए, पोन्स, ओबलंगाटा, मेडुला, ठीक, ये सब सारी चीज़ें हम इंक्लूड कर दिए। पेरीफेरी नर्वस सिस्टम जैसे क्या होता है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी आना जाते, जैसे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे कि नहीं, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है भारत में, यदि ट्रक वरक देखेंगे तो उस पर बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें लिखी होती है, सटला था गैला बेटा, ये सब अगर फिर मिलेंगे, ये सब चीज़ होता है, तो हमारे यानी उसके ट्रक ऐसे जा रहा है उसके इर्द गिर्द यदि बगल में आए तो कहीं कुछ गया तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है वो पेरीफेरी नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम ह्यूमन के बारे में पढ़ चुके थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे, जो हम सबसे बेस्ट
न्यूरॉन। ठीक, अब हम न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन तेल नहीं, ये हमारा क्या होता है? स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारा क्या बाबू होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये हमारा नर्वस सिस्टम हो गया। अब स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? न्यूरॉन बोल दिए। न्यूरॉन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है? ये न्यूरॉन है। ठीक, अब यदि कोई पूछे सबसे बड़ा सेल क्या है दुनिया में, तो बताइए ऑस्ट्रिच क्या बताएंगे? ठीक, ऑस्ट्रिच का एक जो होता है सबसे, उसमें लार्जेस्ट सेल पाया जाता है हमारे बॉडी के अंदर। यदि पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो हमारा क्या बाबू? ये लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट नर्व सेल बोलेंगे। न्यूरॉन लॉन्गेस्ट नर्व सेल बोलेंगे। ठीक, ये हमारा लॉन्गेस्ट सेल होता है किसमें? ह्यूमन बॉडी में ये लॉन्गेस्ट हो गया। अब यहाँ थोड़ी सी बता देते हैं थोड़ा से ब्रेन के बारे में। ब्रेन देखिए क्या दिया, ब्रेन वहाँ से बाद में पढ़ाएंगे ब्रेन वगैरह से, यानी ह्यूमन लार्जेस्ट सिस्टम। अब यानी बताने जाते हैं ब्रेन कितना वेट होता है, मेल में कितना होता है, फीमेल कितना होता है, वो अगले वहाँ से ब्रेन पढ़ेंगे। तो पूरा यानी डिटेल जो बताए थे, यानी फोर ब्रेन हिंड ब्रेन, उससे पूरा एकदम से डिटेल अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप पढ़ते केवल रहिए। यानी ह्यूमन बॉडी में, यानी क्या होता है? लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक, ये ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। अप टू कितना सेंटीमीटर? ये हमारा अप टू 100 सेंटीमीटर हो गया। ये 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये 100 सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए क्या दिया, इसके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। अब न्यूरॉन के कितने पार्ट हो गए? न्यूरॉन के हमारे तीन पार्ट हो गए। पार्ट कितने पार्ट होते हैं बाबू? एक हमारा वो होता है बाबू क्या, सेल बॉडी होता है, डेंड्रॉन होता है, और एक्सॉन होता है। सेल बॉडी के यहाँ देखिए क्या दिया, ये हमारी सेल बॉडी हो गई। ठीक, ये सेल बॉडी हो गई, और क्या बताए थे? डेंड्रॉन बताए थे, डेंड्राइट्स हो गया, और हमारा ये पार्ट एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। ठीक, ये एक्सॉन वाला पार्ट हो गया। इनके बारे में हम एक एक करके पूरे से अच्छे से पूरा पढ़ेंगे, एक नर्वस एक भी नहीं चीज छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या दिया, यहाँ से हम पूरा इंक्लूड करेंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा खत्म कर देंगे। हमारा एक न्यूरॉन हमारे यानी शरीर के अंदर कितना मिलियंस ऑफ द न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। ठीक, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन प्रेजेंट है। देखिए क्या दे, ये हम एकदम चुड़ैल की तरह बना रहे हैं, जिसे हम चुड़ैल की तरह बना रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? न्यूरॉन। उसे यानी सेंट्रल बॉडी। देखिए क्या दिया, ये आपका ये वाला पार्ट यहाँ से और ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या है? डेंड्राइट है। ठीक, यहाँ से डेंड्राइट वाला पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? ये खुद का इसके पास ये न्यूक्लियस होगा। अब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म वगैरह बोला। अब कोई पूछे साइटोप्लाज्म क्या होता है? यानी हमारे सेल के अंदर जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, ये सिंपल से समझिएगा, नहीं तो भाई सेल कंपोनेंट में पढ़े जाएंगे तो यानी दो कम से कम एक लेक्चर में हमारा साइटोप्लाज्म खत्म होगा। सिंपल सा बता रहे हैं, हमारा लिक्विड वाला पार्ट जितना भी है हमारे शरीर के अंदर, लिक्विड वाला पार्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म में कहता है। अब न्यूक्लियस, अब इसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है जिसे हम क्या होते हैं? मास्टर ऑफ द सेल, यही कंट्रोल करता है। जैसे आपके घर में दादा हो गए, पापा हो गए, यदि कोई आया, खर्चा वर्चा सब, यानी सब चीज़ का खाने का, यानी खाने पीने का सब काम कौन करता है? आपके पापा जी करते हैं ना, यानी पैसा ला के देना, सब चीज़ व्यवस्था हो करना। तो इसी तरह से सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, जो क्या करता है? मास्टर ऑफ द सेल। राइबोसोम से कहेगा तुम भाई प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन बनाएगा, नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? दो लात पाएगा, आराम से घर छोड़ के जाएगा। ठीक, अब उसी तरह से यहाँ पर हमारे न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, अब न्यूक्लियस इसके अंदर देखिए करिए न्यूक्लियस हो गया, और ये वाला जो पार्ट ऐसे ऐसे है ये डिसम डेंड्राइट बोलते हैं। क्या क्या बताए थे बाबू? ये सेल बॉडी हो गई। ठीक, ये हमारी सेल बॉडी हो गई, और एक बात बता दिए थे डेंड्राइट, ये डेंड्राइट्स हो गया, और हमारा एक पार्ट एग्जॉन हो गया। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे एकदम अच्छे से, डिटेल हो गया। ठीक, अब देखिए करिए, ये इतना पार्ट, अब ये कोई पूछे इतना वाला पार्ट हमारा क्या बाबू? ये हमारा सेल बॉडी है। ठीक, अब इसके अंदर ये वाला पार्ट हमारा क्या बाबू? ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हो गया। अब इसके अंदर ये जो लिक्विड वाला पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? साइटोप्लाज्म बोल दिए, साइटोप्लाज्म कर दिए। ठीक, अब ये देखो करिए, ये वह सब जो पार्ट ऐसे भूत की तरह निकला है, ऐसे ये भूत की तरह निकला, इसे हम क्या बोलते हैं बाबू? डेंड्राइट्स बोलते हैं, चुड़ैल जिसे कहते हैं। ठीक, जो बाल वाल गाँव में देखिएगा, बाल वाल नहीं बांधे रहते हैं तो डेंड्राइट्स बनाते हैं। ठीक, ये डेंड्राइट की तरह होता है। इसके पास न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, एग्जॉन। अब देखिए करिए, यहीं से हमारा क्या जाता है बाबू? ये हमारा एक हो गया। अब यहीं से हमारा क्या जाता है? यहाँ से देखिए करिए, ये एक सेल ऐसे चला गया, इसे हम एग्जॉन बोलते हैं। अब यहाँ से दूसरा नर्व रहेगा ना, दूसरा न्यूरॉन रहेगा, मिलियन, एक ही न्यूरॉन थोड़ी ना हमारे अंदर,
एक ही न्यूरॉन नहीं है ना, बहुत सारा न्यूरॉन है, तो ये प्रेजेंट है, तो उसके बारे में यहाँ से देखे करिए। ये जो ऐसे जो जा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे बाबू, ऐसे ये जो जा रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्जॉन वाला पोर्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, एक्जॉन वाला पोर्शन। अब एक्जॉन जैसे क्या हो गया, ये वायर हो गया, ठीक, ये वायर हम ले लिए, यहाँ से हम ले लेते हैं, देखिए करिए, ये वायर ईयरफोन है, तो देखो करिए इसके ऊपर ये जो लेयर बना है, बताओ क्यों लेयर बनेगा, यदि हमारे गंदा यानी क्या होगा, ये वायरिंग की गई है, तो वायरिंग के यदि केवल हम तार डाल दें, ये दो तार, जैसे दो तार होता है प्लस एक माइनस होता है, दो तार को लगा दे तो क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट कर जाएगा कि नहीं, पूरा घर खत्म, बक से पंखा उनका टीवी वी सब चल जाएगा। इसीलिए ऊपर से ये लेयर बना दिए, देखो ये एक जान हो गया, एक जान के ऊपर क्या कोई भी लेयर नहीं है, कोई भी लेयर नहीं है, तो हम यहाँ पर ऊपर से क्या लगा दिए, एक यहाँ से हम एक लेयर लगा दिए, किसके लेयर लगा दिए, जो कंडक्टर का काम करता है, इसे यदि छुएंगे तो कुछ नहीं होने वाला, यदि तार में ऊपर का लेयर नहीं रहेगा, अंदर का तार छुएंगे तो उठा के तुरंत भरने से पटकेगा, ठीक। ये वाला जी ये जो ऊपर वाला लेयर होता है इसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन सीट बोलते हैं। अब माइलिन सीट क्या होता है, ये हमारा फास्फोलिपिड का बना होता है, यानी क्या, ये फास्फोलिपिड का बना होता है, ये हमारा मेडअप ऑफ द प्रोटीन एंड यानी फैट और किसका बना होता है, देखिए करिए ये हमारा किसका बना होता है बाबू, फैट एंड प्रोटीन का बना होता है, ये हमारा फैट एंड प्रोटीन का बना होता है, ठीक। ये फैट एंड प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटेक्शन का काम करता है। अब देखिए करिए तार बताए हैं तो उसमें क्या होता है, यदि तार खाली रहेगा, नंगा रहेगा, तो उसे यदि छुएंगे तो समझ लो खैर नहीं है, छूना उना मत, नहीं तो उठाक पटकेगा बाबू, हाँ तो हॉस्पिटलाइज जाएंगे, हाँ उपदेशी उपचार होगा, उल्टा करके ऐसे उल्टा करके थप्पड़ थप्पड़ पाएंगे तब थोड़ा सा आएगी, मगर अब यहाँ से ऊपर वाला देखो क्या दिया, ये यानी क्या होता है, माइलिन सीट ऊपर से हम लगा दिए, अब छुए ना कुछ नहीं होने वाला, हाँ कुछ नहीं होने वाला, उसी तरह से हमारा माइलिन सीट हो गया, ठीक। अब देखो एक जान हो गया, अब ये जो ये वाला सब पार्ट है हमारा क्या बाबू, इंडिंग है, किसकी बाबू, इंडिंग नर्व है, ये नर्व की इंडिंग हो गई, ये हमारी नर्व की इंडिंग हो गई, इतना हम पार्ट बता दिए, ठीक। ये एक ये एक एक स्ट्रक्चर है केवल, ये न्यूरॉन का, ये बड़ा भी बना सकते हैं छोटा भी बना सकते हैं। अब इनके बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, सेल बॉडी क्या होती है, डेंड्राइट क्या होता है, एक्जॉन क्या होता है, सबको बारे में यहाँ से एकदम तुरंत हम यहाँ से बता रहे हैं, इसे बना लीजिएगा एग्जाम में, ऐसे बनाइएगा एकदम, इसको एक बार बुक देख लीजिएगा बढ़िया से, यहाँ केवल बताने के लिए कहें, देखिए करिए आप सेल बॉडी, यहाँ से हम बताइए हैं सेल बॉडी, ठीक। सेल बॉडी इसे हम क्या कहते हैं, सेल बॉडी को आल्सो नोन एज यानी साइटोन बोलते हैं, जैसे एक आदमी का बहुत का सारा नाम होता है, ठीक। जैसे क्या होगा, किसी और क्या कहते हैं, घर का नाम पिंटू, किसी का नाम घर का नाम पिंटू, स्कूल का नाम आदर्श वगैरह बहुत सारा होता है। अब घर में कहते हैं कलुआ, अब उसका नाम कुछ और है, गुरहरका भुअरका, तो उसी तरह से इसका नाम क्या है, यानी सेल बॉडी का दूसरा नाम क्या है, साइटोन बोलते हैं। इसके पास क्या बताएं, एक सेल बॉडी बताए थे, देखिए सिंपल सा यहाँ बनाते हैं एक सेल बॉडी, ठीक। हम क्या बताए थे, देखिए क्या दिया, ये हो गया, 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 यहाँ से कर दिए, बताइए क्या होता है, ये डेंड्राइट था कि नहीं, ये डेंड्राइट था और ये डेंड्राइट निकला हुआ था, ये सेल बॉडी है, ठीक। इसके अंदर क्या है बाबू, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये क्या कंटेंट, यहाँ पर लिख देंगे कंटेन, क्या कंटेन करता है बाबू, कंटेन, न्यूक्लियस को कंटेन करता है, ठीक, न्यूक्लियस को कंटेन करता है और साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। इसके पास क्या होता है बाबू, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है बाबू, ये ग्रेन्यूल, इसमें ग्रेन्यूला की स्ट्रक्चर जिसे हम नील्स ग्रेन्यूल कहते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसके पास एक ग्रेन्यूला की स्ट्रक्चर होता है, इसे देखिए क्या दिया, इसके पास ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं बाबू, क्या कहते हैं, नील्स ग्रेन्यूल बोलेंगे, जो क्या करता है बाबू, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक। इसके पास नील ग्रेन्यूल्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। अब इतनी बड़ी चीज है, अब ये देखो करिए, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है किसका, अब इसे यदि कोई पूछे तो ये हमारा क्या बाबू, डेंड्राइट, डी फॉर डेंड्राइट, ये हमारी सेल बॉडी है, ये पूरी सेल बॉडी है, ठीक, ये पूरी सेल बॉडी है, इतनी यानी पूरी पार्ट हमारी ये सेल बॉडी के अंतर्गत आती है, ठीक। ये हमारी सुबह इसके अंदर क्या होता है, ये वाला पार्ट कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे बाबू, ये न्यूक्लियस हो गया। अब इसके पास ये जो है, ये से साइटोप्लाज्म बोलेंगे, साइटोप्लाज्म हो गया। अब यहाँ से ये क्या क्या कंटेंट करता है, अब इसके पास क्या, न्यूक्लियस हो गया, नील शब्द ग्रेन्यूल, इसके पास ये वाला जो पार्ट, ये देखो नील शब्द ग्रेन्यूल जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ये क्या बनाता है बाबू, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक।
इतना यहाँ से हो गया ये प्रोटीन सिंथेसिस। अब इतनी बड़ी ये हमारी सेल है, इससे एनर्जी कहाँ से मिलती है? तब बताइए क्या होता है, हमारे घर में इन्वर्टर है तो क्या होता है, यदि लाइट चली जाए तो क्या हो जाता है, लाइट चली जाए तो हमारा इन्वर्टर काम सब पूरा कर लेता है घर का, और लाइट होती है तो क्या करता, पूरा काम लाइट ही करता। तो इतनी बड़ी सेल को कंट्रोल, यानी एनर्जी देने के लिए क्या चाहिए, इसके पास एनर्जी कंडक्ट कौन करता है? तो हम क्या बोलते हैं, हमारे सेल में एनर्जी का कौन कंडक्शन का काम कौन करता है? एनर्जी कंडक्शन का काम माइक्रोकांड्रिया करता है, यानी एनर्जी कंडक्शन का काम कौन करता है, एनर्जी कंडक्शन का काम कौन था? तो हम लिख देंगे माइटोकांड्रिया। लो भाई माइटोकांड्रिया, ठीक। अब ये क्या करता है, इसमें बहुत सारा नंबर, यानी एक भी नहीं बहुत सारा नंबर क्या होता है, माइटोकांड्रिया प्रेजेंट है, ठीक। ये सेल बॉडी हो गया, अब हम डेंड्राइट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक। ये डेंड्राइट हो गया, ये अब इसमें हम क्या क्या बता दिए, सिंपल सा बता देते हैं, सेल बॉडी, इसको ऑल्सो नोन एज साइटोन बोलते हैं, ठीक। यदि साइटोन में आ गए, शॉर्ट नोट ऑफ साइटोन, तो यहाँ पर साइटोन आप ये छोटा सा इसे यहाँ पर क्या हो गया, एक सेल बॉडी बनाइएगा कंटेन, इसके पास खुद के पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म सब चीज, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर, यानी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो हम नील्स ग्रेन्यूल बोलते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस में करने का काम करता है, ठीक। अब ये एनर्जी कंडक्शन का काम करता है, एनर्जी इसमें इसे को एनर्जी कौन देता है, एनर्जी कौन देता है, जैसे आप गांव पे, यानी कि कितने जो बड़े घराने के लोग होते हैं, आराम से घूमते हैं, खूब घूमे, हाँ, एनर्जी उसे कहाँ, पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ दादा दे रहे हैं, तो उसी तरह से इसके पास, यानी दादा दे रहे हैं तो उसके लिए एनर्जी कंडक्शन का कौन कर रहा है, उसके दादाजी कर रहे हैं। तो यानी सेल बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलता है, माइटोकांड्रिया। अब इसे यानी एनर्जी मिलेगा तो आराम से ये घूमे खाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम डेंड्रॉइड और एग्जॉन के बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। अब डेंड्रॉइड क्या होता है, डेंड्रॉइड, ठीक, डेंड्रॉइड और एग्जॉन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए करिए एग्जॉन, अब एग्जॉन क्या होता है, अब देखिए करिए यहाँ से हमारा बता दिए एग्जॉन, ठीक, एग्जॉन क्या होता, अब उसमें से जो को कर दिया, यहाँ जो हम डेंड्राइड बनाए थे उसमें जो भूतिया वाला स्ट्रक्चर था, भूतिया वाला स्ट्रक्चर में जो ये वायर जा रहा था, ऐसे वायर जा रहा था, वो हमारा एग्जॉन होता है, ठीक। अब एग्जॉन यहाँ से छोटा सा बना देते हैं, देखिए करिए ये हमारा अंदर वाला इनर लाइनिंग है, जो नंगा तार है, ठीक। अब इसके ऊपर वाली एक ऊपर भी लेयर होती है, ऊपर भी ऐसे देखो कर दिया, ऐसे ऐसे यहाँ से बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक, ऐसे लेयर होती है, लेयर होती है, यह कंटिन्यूस होती है। अब हमारे जो माइलिन सीथ होते हैं डिसकंटिन्यूस होती है, वो कंटिन्यूस नहीं होती। अब हमारी ऊपर से देखिए करिए, ये हमारा ये डिसकंटिन्यूस हमारा ये माइलिन सीथ हो गया, ठीक, ये माइलिन सीथ हो गया, यहाँ से हमारा ये माइलिन सीथ हो गया, ऊपर से जो, यानी ऊपर से जो कवरिंग है वो माइलिन सीथ का काम करती है, और ये जो अंदर वाला क्या